चेहरे के अनचाहे बालों को कैसे हटाएं घर पर, वो भी बिल्कुल आसानी से, बिल्कुल आराम से। आप अपने अनचाहे जो चेहरे के बाल होते हैं, बहुत ज्यादा गंदे लगते हैं फेस पर, उससे जो फेस है बहुत ज्यादा गंदा लगता है, तो उसको आप आसानी से घर पर कैसे हटा सकते हैं, आज मैं आपके आपके पास एक ऐसा नुस्खा लेकर आई हूँ जिससे आप आराम से आसानी से अपने अनचाहे बालों को हटा सकते हैं। तो आपको जो है किसी भी पार्लर पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप घर पर ही आराम से अपने बालों को हटा सकते हैं। तो आपको इस नुस्खे को कैसे बनाना है और कैसे इसका प्रयोग करना है और किस इंग्रेडिएंट का इसमें यूज हो रहा है, ये जानना भी बहुत ज्यादा जरूरी है और इसका लगाने का तरीका जानना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो देखते हैं कि इस नुस्खे को हमें कैसे बनाना है। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास है मुल्तानी मिट्टी। तो जो मुल्तानी मिट्टी होती है वो बहुत ज्यादा अच्छी होती है चेहरे के लिए। आप जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं वो मुल्तानी मिट्टी का ही प्रयोग करते हैं अपने चेहरे को अच्छा बनाने के लिए, और जो बड़ी औरतें होती है या फिर लेडीज होती है वो भी जो है मुल्तानी मिट्टी का यूज करती है। मुल्तानी मिट्टी के क्या फायदे होते हैं, ये जो हमारी स्किन को बहुत ज्यादा अच्छा बनाती है और जो डेड स्किन होती है मतलब डेड सेल्स होते हैं उनको रिमूव करने में बहुत ज्यादा फायदेमंद है। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, एक चम्मच जो है मुल्तानी मिट्टी का यहाँ पर लेना है, हमने इसको पहले से ही पीस लिया है। एक चम्मच आपको यहाँ पे मुल्तानी मिट्टी का लेना है। उसके बाद आपको नेक्स्ट इंग्रेडिएंट क्या लेना है, मुल्तानी मिट्टी तो फायदेमंद होती है, साथ साथ में ये नींबू जो है ये हमारे स्किन को अच्छा बनाने में बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। स्किन के जो बाल होते हैं उनको हटाने में बहुत ज्यादा मदद करता है और जो डेड स्किन होती है मतलब कि झुर्रियां आ जाती है फेस पे या फिर ब्लैक हेड्स हो जाते हैं, ब्लैक डार्क सर्कल्स हो जाते हैं, उनको रिमूव करने में बहुत ज्यादा अच्छा है। तो आपको कितना नींबू लेना है ये मैं आपको बता देती हूँ, आपको 1/4 पार्ट लेना है नींबू का। यहाँ पे आपको सिर्फ इतना सा नींबू लेना है, यहाँ पे आप यहाँ देख सकते हैं मैंने कितना नींबू लिया है, सिर्फ इतना सा आपको नींबू लेना है। और इस मुल्तानी मिट्टी के अंदर जो बहुत ही ज्यादा अच्छा एक इंग्रेडिएंट है, बहुत ज्यादा अच्छी औषधि है, इसके अंदर जो है आपको निचोड़ देना है इसको। उसके बाद आपको नेक्स्ट इंग्रेडिएंट क्या इसके अंदर डालना है वो भी मैं आपको अभी बताऊंगी और कैसे वो फायदेमंद हमारे लिए हो सकता है और कैसे इसका यूज करना है दोस्तों, ये जानना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये जो है हमारे पास है गुलाब जल। गुलाब जल जो होता है दोस्तों आपके पीएच लेवल होता है जो फेस का, जो आपके फेस को निखार मतलब आता है, आपके फेस का निखार चला जाता है उसको वापस लाने में बहुत ज्यादा मदद करता है। आपकी स्किन अगर ड्राई रहती है, ज्यादा ऑयली है, तो उसको जो है ऑयल को सही करने में ये मदद करता है। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, एक चम्मच जो है गुलाब जल का यहाँ पर डाल देना है आपको और अच्छे से इसको आपने मिक्स कर लेना है। यहाँ पे जब तक आपका पेस्ट नहीं बनता है तब तक आपको इसको अच्छे से मिक्स करते रहना है, जब तक आपका पेस्ट अच्छे से तैयार ना हो जाए आपको गुलाब जल डाल के इसके अंदर मिक्स करना है अच्छे से। और आपके जो दाग धब्बे हैं फेस के, आपके अनचाहे बालों को तो हटाएगा ये, साथ में जो आपके दाग धब्बे हो जाते हैं मुंह पे या फिर जो पिंपल्स मुंह पर हो जाते हैं उनको भी हटाने में बहुत ज्यादा मदद करेगा। अगर आपके फेस का ग्लो चला गया है, ग्लो को वापस लाने में मदद करेगा। आपको जो ऐसे पतला सा एक पेस्ट बना लेना है यहाँ पे, ना ही ज्यादा पतला होना चाहिए ना ही ज्यादा हार्ड होना चाहिए पेस्ट। तो आपको इसको कैसे यूज करना है ये भी मैं अभी आपको बताऊंगी और कैसे इस पेस्ट को उतारना है ये भी जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यहाँ पर जो हमारा पेस्ट है वो बनकर तैयार है, जब तक आपका पतला सा पेस्ट ना बन जाए तब तक आपको इसे मिक्स करते रहना है। तो अब आपको इसको कैसे लगाना है यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ। तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा ये पेस्ट लेना है, उसके बाद अपने फेस पर इसको ऊपर की साइड लगाना है, अपने मतलब जो बाल आपके गए हैं उनके अपोजिट डायरेक्शन में आपको इसको लगाना है, जिससे जो आपके बालों की ग्रोथ है वो कम होएगी, आपके जो अनचाहे बाल हैं उनको हटाने में बहुत ज्यादा एक ये फायदेमंद नुस्खा है, निखार आपके चेहरे का वापिस आएगा दोस्तों इससे। तो ऐसे जो है आपको इस पेस्ट को लगाना है, उसके बाद आपको कैसे उतारना है ये भी मैं अभी आपको बताऊंगी। तो उसके बाद आपको कैसे उतारना है ये मैं अभी आपको बताऊंगी। और इस नींबू से हम जो इस पेस्ट को उतारेंगे आपको इसके 15 से 20 मिनट तक लगा के रखना है। उसके बाद उतारने का तरीका मैं आपको बता देती हूँ। आपको जो है ये बचा हुआ नींबू हमारे पास है अब, ये हमारे लिए काम बहुत ज्यादा फायदेमंद है। तो आपको क्या करना है, गुलाब जल इसके ऊपर थोड़ी सी बूंदे इसके ऊपर डालनी है, उसके बाद आपको सूखने के बाद इसको ऐसे उतारना है, इस नींबू से उतारना है, जिससे जो आपके अनचाहे बाल है वो धीरे धीरे हटना स्टार्ट हो जाएंगे। पहले ही यूज से जो है आपको इसका असर दिखना स्टार्ट हो जाएगा। आपको अगर नींबू सूट नहीं करता है तो आप कच्चे दूध का भी प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि कच्चा दूध स्किन के लिए बहुत ज्यादा अच्छा होता है, कोमल बनाने में मदद करता है चेहरे को। तो आपको आराम आराम से जो है इस नींबू से अपने अनचाहे बालों को हटाना है और इस मुल्तानी मिट्टी को हटाना है। उसके बाद आपको साफ पानी से अपने मुंह को धो लेना है, और आपको हटाने के लिए पानी का नहीं गुलाब जल का यूज करना है। उसके बाद आपको
आपको कुछ दिनों में ही फर्क दिखेगा कि जो आपके अनचाहे बाल है फेस पर जो बहुत ज्यादा गंदे लगते हैं वो हट चुके हैं। तो अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो इसे अपने दोस्तों तक शेयर करें ताकि वो भी जो अपने फेस को अच्छा दिख सके, उनका जो ग्लो चला गया है फेस पे से उनका वापस ग्लो आ सके। धन्यवाद।